লোটে লক্ষ্মী ও গণেশের ছবি থাকা প্রয়োজন। দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়ালের এমন মন্তব্যে চারিদিকে বইছে নিন্দার ঝড়। তিনি প্রধানমন্ত্রীকে লিখেছেন, দেশের অর্থনীতি খুব খারাপ অবস্থার মধ্য দিয়ে যাচ্ছে, এমনকি স্বাধীনতার 75 বছর পরও ভারত উন্নয়নশীল ও গরিব দেশ হিসেবে পরিচিত। দেশ গঠনে একদিকে কঠোর পরিশ্রম প্রয়োজন, অন্যদিকে ভগবানের আশীর্বাদের প্রয়োজনীয়তাও রয়েছে। দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল এমন আরও জোরালোভাবে দাবি জানিয়ে বলেছেন, নোটে লক্ষ্মী ও গণেশের ছবি থাকার প্রয়োজনীয়তাও রয়েছে। বৃহস্পতিবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর কাছে তিনি আবেদন জানিয়েছেন, নতুন নোটে দেবদেবীর ছবি থাকলে দেশের অর্থনৈতিক সংকট দূর হবে। বৃহস্পতিবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে চিঠি লিখে কেজরিওয়াল দাবি করেছেন, 130 কোটি ভারতবাসীর হয়ে তিনি এই দাবি জানিয়েছেন। তার এই দাবি, ব্যাংক নোটে মহাত্মা গান্ধীর ছবির পাশাপাশি দেবী লক্ষ্মী ও গণেশের ছবি ছাপা দরকার। তিনি জানিয়েছেন, তার এই দাবির পেছনে মানুষের সমর্থনও রয়েছে। তিনি বলেন, মানুষ দারুণভাবে এই দাবিকে সমর্থন করছেন, সকলেই চাইছেন এটি দ্রুত বাস্তবায়িত হোক, কিন্তু আদতে তা মোটেও নয়। নোটে দেবদেবীর ছবি ছাপানো নিয়ে এর কঠোর নিন্দা জানিয়েছেন সাধারণ মানুষ। বলতে শোনা গেছে অনেকে যে হিন্দু মুসলিমের রাজনীতিতে নেমেছেন কেজরিওয়াল, সাম্প্রদায়িক বিভাজন সৃষ্টি করতে চাইছেন তিনি, এ নিয়ে শুরু হয়েছে চরম বিতর্ক। इन्हीं जैसे और केजरीवाल जो मुन्नी और शीला भाई के कोठों पे जाके ठुमके लगाते हैं ना, तो हमारी लक्ष्मी गणेश को किसी वेश्या के पैर के नीचे नहीं आना चाहिए। हम इसके समर्थन में नहीं है। अभी इन्हीं के मंत्री क्या कहते हैं, हम लक्ष्मी गणेश को नहीं मानिए भैया, हिंदू देवी देवताओं को मत मानिए। लक्ष्मी गणेश ही घर के अंदर अच्छे लगते हैं, नोटों में अच्छे नहीं लगते। खुशबू आने सकती है, आ सकती है भैया, सच्चाई छिप सकती है अगर आपस में मेल हो, खुशबू आ सकती है अगर कागज में तेल हो। आज केजरीवाल जी को लक्ष्मी गणेश क्यों याद आ रहे हैं, अगर वो हिंदू मुस्लिम की राजनीति मैडम शिक्षा स्वास्थ्य आज क्यों आ रहे हैं यार? देखो अब केजरीवाल जी जो है बेचारे, इन्होंने देखा कि कहते ना काइयों के साथ काइयां बनना पड़ता है, अब उनको राजनीति आ गई। इतना नहीं है, थोड़ा अगर राजनीति के अंदर आना है तो थोड़ा सा चंड चलाकी भी आनी चाहिए। मुझे मैंने कोई बयान देखा नहीं ना मैंने सुना, जब सुन के आइए आप जाके सुन के आइए। उन्होंने बोला है कि जो नोट है भारत की उस पर लक्ष्मी गणेश की फोटो होनी लगा दे, पता नहीं देखिए ये अपमान है। क्योंकि इन्हीं जैसे और केजरीवाल जो मुन्नी और शीला भाई के कोठों पे जाके ठुमके लगाते हैं ना, तो हमारी लक्ष्मी गणेश को किसी वेश्या के पैर के नीचे नहीं आना चाहिए। हम इसके समर्थन में नहीं है। देवी देवताओं को हम हृदय में रखते हैं, लेकिन नोटों पे हम नहीं देखेंगे भैया। केजरीवाल मांग कर रहे हैं, केजरीवाल अभी इन्हीं के मंत्री क्या कहते हैं, हम लक्ष्मी गणेश को नहीं मानिए भैया, हिंदू देवी देवताओं को मत मानिए। अरे ये चलेगा काफी दिनों तक, ये हिंदू मुद्दा चलेगा। चाहते हैं कि नोटों पे फोटो हो, नहीं चाहते अगर हम नहीं चाहते, हमें नहीं चाहिए जो चल रहा है, बस जो चल रहा है। हमें सिर्फ महात्मा गांधी प्यारे हैं तो प्यारे हैं, उनकी फोटो कोई हटा नहीं सकता। वो हटाने की बात नहीं कर रहे, वो कह रहे लक्ष्मी गणेश की भी फोटो। लक्ष्मी गणेश ही घर के अंदर अच्छे लगते हैं, नोटों में अच्छे नहीं लगते। नोटों पे फोटो चाहिए लक्ष्मी। आपको भी समझा रहा हूँ, केंद्र में सरकार किसकी है, सीनियर कौन है? सीनियर बीजेपी ना, केजरीवाल तक झूठा होफल डाला है। देखिए केजरीवाल जो है नौटंकीबाज है, एक नंबर का नौटंकीबाज है। पहले कहते थे मैं सिक्योरिटी ले लूंगा, अब 67 पुलिस वाले उसकी सिक्योरिटी पे लगा हुए, 67 पुलिस वाले उसकी सिक्योरिटी पे लगे हुए, ठीक है। जो कहता था ये जो लक्ष्मी गणेश की बात कर रहे हैं उस पे क्या कहेंगे, नोटों पे फोटो। वो खाली वोट बैंक की राजनीति करता है और कुछ नहीं। यहाँ कहता था कि मैं सिक्योरिटी नहीं लूंगा, मैं बीजेपी से हाथ नहीं मिलाऊंगा, मैं कांग्रेस से हाथ नहीं मिलाऊंगा, और जाते ही शीला जी की गोदी में बैठ गया, ठीक है ना। शीला दीक्षित को कहा कि बदनाम या ईमानदार ऑटो पे लगा दिए सारे, और फिर वही राजनीति करने लगे। तो बोल रहे अधूरा ज्ञान, अधूरा ज्ञान लेके आते हैं, जो सुन लेते मीडिया में जी न्यूज में उसी को फिर रिपीट करते हैं। पहले ना उसकी आप जी न्यूज से क्लास लेते हैं। इनके व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान देख लीजिए, है ना। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में यह जो असदीन ओवैसी, अरे उसी व्हाट्सएप के ज्ञान के वजह से वो राजस्थान में गर्दन कट गया। अरे सपने दिखाए जाते रहे, सपनों की
रमेश को उसी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के चाहिए, एक बाल्टी पानी चाहिए, 200 यूनिट बिजली फ्री चाहिए, बस तुम्हारा इसी में। अरे देश का विकास तुम क्या सोचते हो, तुम तो 200 यूनिट बिजली पे बिक गए भैया। अरे जो ये दारू दारू करे ना, उसी दारू के टैक्स से ना विकास हो रहा है सबसे ज्यादा, जो टैक्स हो रहा है। इन्होंने विकास क्या करा, उनके विकास। अच्छा भाई साहब, कोई 500 स्कूल खुले, 500 स्कूल खुले, स्कूल खुले, कभी नहीं सुनो, कभी ना, एक मिनट, कभी ना, एक मिनट, कभी नहीं, कभी अकाउंट में आए, कभी नहीं पढ़ सकते यार। डीटीसी बिक गई, 2 करोड़ नौकरियां मिली। मैडम मेरे आगे भाई, मेरे आगे। केजरीवाल जी कह रहे हैं कि जो नोट है इंडिया की उसमें लक्ष्मी गणेश, पढ़ लिया मैंने, सुन लिया, बताइए आप चाहते दिया है, उसने एक प्रपोजल दिया है इंडोनेशिया की करेंसी के अंदर गणेश जी लक्ष्मी जी की फोटो है, उन्हें की यहाँ पे भी होनी चाहिए। ये हिंदू कह रहा है, पहुँचेगी भैया, ये कह रहा ना हिंदू राष्ट्र है, इसलिए उसने एक प्रपोजल दिया और ये बेवकूफ की तरह चिल्ला रहे, ये बेवकूफ की तरह चिल्ला रहे, लेना का एक नहीं देना दो नहीं चीज का। उसने एक प्रपोजल दिया कि इंडोनेशिया, आप चाहते हैं कि लगे गणेश लक्ष्मी। अरे अगर ये, अरे अगर मैं इसका जवाब हाँ ना, अगर ये कहते हैं हिंदू राष्ट्र है, वैसे तो हिंदू राष्ट्र है ही नहीं, जो नेपाल है, जो नेपाल हिंदू राष्ट्र था वो भी सेकुलर बन गया, वो हिंदू राष्ट्र खत्म हो गया, वो भी सेकुलर बन गया हिंदू राष्ट्र। काम पूछा था तो मैं बता रहा हूँ, मोदी जी का काम आपने पूछा था ना, उसको गिना रहा हूँ। आपने जिस तरह से केजरीवाल का काम गिनाया, उसी तरह से मुझसे भी मोदी जी का काम सुन लीजिए। 70 साल से हमारे इलाके में सबसे बड़ी फैक्ट्री थी जिसमें 40,000 कर्मचारी थे, उसका नाम था हिंदुस्तान उर्वरक केमिकल लिमिटेड, 30 साल से बंद थी। मोदी जी आए, शिलान्यास कहते हैं, मैंने उसका समझ रहे हैं ना, शुरू कराए बनवाने का, और इन्हीं के राज में बन के चालू हो गया, और आज के डेट में उसमें यूरिया चल रहा है, 40,000 परिवार को नौकरी मिला। गोरखपुर में पता कर लीजिए, कंपनी का नाम नोट कर लीजिए, इसी समय गूगल सर्च कर लीजिए, ठीक है। 40,000 ही है, अरे सुन तो, 40 तो वो ही बोलिए ना, 8 साल हो गए अभी ये गिनाया है यार, सुन सुन तो जाओ। पूरे उत्तर प्रदेश में एम्स नहीं था। কেজরিওয়ালের দাবির পেছনে সাম্প্রদায়িকতার রাজনীতি দেখতে পাচ্ছেন রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা। সামনে হিমাচল ও গুজরাট বিধানসভা নির্বাচন, অন্যদিকে আবার দিল্লির পুর নির্বাচন। নির্বাচনে বিজেপিকে কোন ঠাসা করতে বিজেপির হিন্দু ভোটে থাবা বসাতেই চাইছে তারা। নির্বাচনে সুবিধা পেতে ভোটের আগে এই ধরনের উস্কানিমূলক দাবি জানিয়েছেন কেজরিওয়াল, ঠিক এমনটাই মনে করছেন বিশ্লেষকরা। ব্যুরো রিপোর্ট, আর ই নিউজ।